गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड ईयर के चैप्टर वन के एक बहुत विद्युत चुंबक के स्पेक्ट्रम के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें से सामान्यतः क्वेश्चन आते ही रहते हैं का अध्ययन करेंगे। इसमें जो मेन टॉपिक है वो तो यह है कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हमें अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं उनकी संख्या सामान्य से अधिक क्यों होती है। जैसे हम उम्मीद करते हैं कि हमें चार बैंड प्राप्त होंगे, लेकिन चार के स्थान पे हमें ओरिजिनल ग्राफ में छः बैंड प्राप्त होते हैं या पांच बैंड प्राप्त होते हैं, तो उसका कारण क्या है। और कई बार जो हम उम्मीद करते हैं उससे कम अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं, तो उसका कारण क्या है। उसका अगर मेजर कारण हम देखें तो हमारे पास अवशोषण में दो बैंड अगर प्राप्त हो रहे हैं तो वो दो बैंड आपस में किस तरह से इंटरेक्शन करके क्या कोई तीसरा बैंड भी जनरेट करते हैं। पहली चीज़, मतलब जैसे अवशोषण बैंड में अगर 6-7 बैंड आ रहे हैं तो 6-7 बैंड में से क्या कोई दो बैंड आपस में इंटरेक्शन करके आपस में अन्योन्य क्रिया करके एक और बैंड दे रहे हैं, या फिर दो बैंड की समान फ्रिक्वेंसी आने के कारण एक दूसरे पे अतिव्यापन ओवरलैपिंग है कर रहे हैं। तो अगर दो बैंड मिलके एक और नया बैंड बना रहे हैं तो दो तो पहले वाले और एक नया, तो तीन बैंड हो जाएंगे, यानी बंदों बैंड की संख्या, अवशोषण बैंड की संख्या बढ़ जाएगी। और अगर मान लो कि दो बैंड एक ही फ्रिक्वेंसी पे आ रहे हैं और एक दूसरे से अतिव्यापन कर रहे हैं तो हमें दो के स्थान पे एक ही बैंड दिखाई देगा, तो उससे फिर अवशोषण बैंड कम हो जाएंगे। ऐसे कई तरह के रीजन हैं जिससे अणु में अवशोषण बैंड की संख्या बढ़ती है और घटती है। तो उसका जो मेन रीजन मैंने आपको एक लाइन में बताया ये है कि जो अवशोषण बैंड है उनकी आपस में कपलिंग इंटरेक्शन होती है, क्रियाएं होती हैं, उन कपलिंग इंटरेक्शन के कारण बैंडों की संख्या घटती है या बढ़ती है। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट प्रकार है जिसके कारण बैंडों की अवशोषण बैंड की संख्या बढ़ती है उससे हम हिंदी में कहते हैं अधिसूरक या ओवरटोन, और एक और इसका नाम है हार्मोनिक्स। देखिए, अधिस्वरक होता है हिंदी में, जिसको इंग्लिश में कहेंगे ओवरटोन। ठीक है, ये अधिस्वरक, इसको हिंदी में हम कहते हैं ओवरटोन। इसका एक और नाम है हार्मोनिक्स, ये लिखा हुआ है हार्मोनिक्स, है ना। तो हार्मोनिक्स होता क्या है, देखिए नॉर्मली जो बैंड आ रहा था मान लो वो एन पे आ रहा था, ठीक है, अब उसमें अगर तरंग बढ़ जाए और डायरेक्ट डबल हो जाए यानी 2N हो जाए तो वो कहलाता है हमारा अधिसूरक। क्या कहलाता है, अधिसूरक, यानी जस्ट डबल हो जाना, ओवरटोन। कभी कभी जो कंपन संक्रमण होते हैं उनमें व्यू नोट, जो कि व्यू नोट से म्यू वन, देखिए ये जो म्यू नोट से म्यू वन है यानी 0 से 1 पे संक्रमण हुआ है, तो 0 से 1 पे जो संक्रमण होता है वो मौलिक यानी कि मूलभूत फंडामेंटल या मौलिक कंपन कहलाता है, सबसे लोअर वाला। लेकिन 0 से 1 में ना होकर डायरेक्ट 0 से 2 में हो जाए, यानी फंडामेंटल का डायरेक्ट डबल हो जाए। फंडामेंटल तो ये है 0 से 1 में हुआ, लेकिन 0 से 1 में नहीं होकर 0 से 2 में हो जाए, जस्ट दुगना वाला कंपन हो जाए, तो जो अवशोषण बैंड है उस पर क्या प्रभाव होगा। देखिए 0 से 1 की जगह अगर 0 से 2 हो जाए डायरेक्ट, तो उस केस में 0 से 1 का जो मान है उसकी तुलना में दुगने वाले मान पे एक हमें दुर्बल अवशोषण बैंड प्राप्त होता है। उस दुर्बल अवशोषण बैंड को ही हम अधिस्वरक, ओवरटोन या हार्मोनिक्स कहते हैं। इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप वो भी किस में होना चाहिए, देखिए एस्टर वाला कार्बोनिल ग्रुप, एस्टर अणु है उसका कार्बोनिल ग्रुप, तो इसके लिए जो एस्टर ग्रुप के कार्बोनिल के लिए जो म्यू नोट से म्यू वन वाला आता है वो तो आता है 1750 पे, और म्यू नोट से म्यू टू वाला जो आता है वो है 1500 सेंटीमीटर इनवर्स पे, यानी सेंटीमीटर की घात -1। तो 1750 पे तो हो गया मौलिक वाला, फंडामेंटल मौलिक वाला जो मूलभूत है ना। और ये जो 3500 पे आया है, 1750 पे जस्ट दुगना 3500 सेंटीमीटर इनवर्स पे आया है, वो कहलाएगा हमारा ओवरटोन। यानी कि ये तो आया है हमारा 1750 पे और ये वाला आया है डायरेक्ट डबल 3500 सेंटीमीटर इनवर्स पे। तो ये 3500 सेंटीमीटर पर इनवर्स पे जो अवशोषण बैंड प्राप्त होता है वो थोड़ा वीक होगा, दुर्बल होगा, जिसको हम ओवरटोन या हार्मोनिक्स कहेंगे। ठीक है, अब देखो ओवरटोन को इस एग्जांपल से मैं आपको
को समझाता हूँ। देखिए V1 से V0 से V1 पे जो जा रहा है वो तो क्या कहला रहा है, फंडामेंटल यानी मौलिक, और V0 से सीधा ही V2 पे जो जा रहा है वो कहलाएगा ओवरटोन, ठीक है। अब अगर मान लो कि V2 पे नहीं जाए और V0 से सीधा V3 पे चले जाए तो क्या कहलाएगा, देखो 0 से 1 पे गया तो फंडामेंटल, ठीक है। अब 1 से ऊपर 2 पे चला तो पहला वाला ओवरटोन, अगर 2 नहीं गया 3 पे गया तो दूसरा वाला ओवरटोन, तो ओवरटोन भी 1, 2, 3 हो जाएंगे। 0 से 1 पे यानी पहला वाला कहलाएगा फंडामेंटल, 0 से 2 पे फर्स्ट ओवरटोन, 0 से 3 पे सेकंड ओवरटोन कहलाएगा, ठीक है। जिसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है ना। अब देखिए अगला वाला जो हमारे पास है वो है फर्मी अनुनाद। फर्मी अनुनाद क्या होता है, फर्मी अनुनाद से पहले हम एक और देख लेते हैं, ये संयुक्त वाला, कॉम्बिनेशन संयुक्त स्वर या कॉम्बिनेशन टोन। कॉम्बिनेशन टोन क्या होता है, देखिए कॉम्बिनेशन नाम से ही पता चला संयुक्त जुड़ना है, तो इसमें क्या होगा, मान लो कि कोई एक बैंड है वो VA है, दूसरा बैंड है वो VB है, ये दोनों बैंड अगर आपस में क्रिया करते हैं तो एक दूसरे से जुड़ भी सकते हैं और एक दूसरे से क्रिया करके एक दूसरे को घटा भी सकते हैं, यानी कि प्लस में भी कर सकते हैं और माइनस में भी कर सकते हैं, प्लस में करें चाहे माइनस में करें, ये दोनों आपस में या तो जुड़ जाएंगे यानी संयुक्त हो जाएंगे, या दोनों एक दूसरे से घट जाएंगे, तो दोनों जुड़ेंगे तो दोनों को जोड़ के जो आवृत्ति आएगी उस पर नया बैंड आएगा, और दोनों एक दूसरे को अगर माइनस करेंगे तो दोनों को घटाने के बाद दोनों जुड़ेंगे या दोनों घटेंगे, तो दोनों घटेंगे तो घटाने के बाद जो आवृत्ति आएगी उस पे हमें एक बैंड प्राप्त होगा, तो इस बैंड को कहते हैं संयुक्त बैंड, है ना। ये देखिए आप के यहाँ लिखा हुआ है, ये VA प्लस माइनस VB, μA प्लस माइनस μB, तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, तो दोनों जुड़ भी सकते हैं और दोनों घट भी सकते हैं, और हमें एक नई फ्रिक्वेंसी पे अवशोषण बैंड प्राप्त होता है, ठीक है। ये हुआ संयुक्त। अब हम बात करेंगे फर्मी की। ये फर्मी कई बार एक दो नंबर में पूछ लिया जाता है कि फर्मी रिजोनेंस क्या होता है। देखो फर्मी में दो बैंड जुड़ेंगे, लेकिन दो बैंड कौन से जुड़ेंगे, देखिए एक तो फिक्स है कि एक तो होगा हमारा फंडामेंटल वाइब्रेशन, फंडामेंटल कौन सा, V0 से V1, या हम कह सकते हैं μ0 से μ1 या μ0 से 1, तो 0 से 1 वाला होता है वो तो कहलाता है फंडामेंटल, 0 से 1 वाला वो तो कहलाता फंडामेंटल। तो फंडामेंटल क्या करेगा, फंडामेंटल या तो ओवरटोन के साथ में जुड़ेगा या जुड़ेगा कॉम्बिनेशन के साथ में। देखिए एक तो लेंगे फंडामेंटल, अब फंडामेंटल हमारा, मैं दोबारा से बताता हूँ इसको, एक तो लेंगे फंडामेंटल वाइब्रेशन जो μ0 से μ1 हो सकता है, तो एक तो फंडामेंटल वाइब्रेशन रहेगा ही, अब इसको जुड़ना है, अब ये किससे जुड़ सकता है, एक तो अधिस्वरक यानी ओवरटोन से भी जुड़ सकता है, एक संयुक्त स्वर यानी कॉम्बिनेशन टोन से भी जुड़ सकता है, इन दोनों में से किसी एक के साथ ये जुड़ेगा और फिर एक नया बैंड देगा जिसको हम कहेंगे फर्मी अनुनाद बैंड। ये फर्मी अनुनाद बैंड इसका नाम क्यों रखा, क्योंकि इसकी जो खोज की थी वो एनरिको फर्मी ने की थी, किसने, एनरिको फर्मी ने, तो एनरिको फर्मी के नाम के आधार पे इसे फर्मी अनुनाद बैंड भी कहा जाता है। तो हमारे पास 3 मेन कारण हो गए अणु में अवशोषण बैंड की संख्या बढ़ने के। पहला हुआ अधिस्वरक या ओवरटोन या हार्मोनिक्स, जिसमें μ0 से μ1 के स्थान पर जस्ट डबल हो रहा है μ0 से μ2, तो μ0 से μ2 हुआ तो फर्स्ट ओवरटोन, μ0 से σ3 हो जाए तो वो सेकेंड ओवरटोन कहलाएगा। दूसरा है हमारे पास संयुक्त स्वर, जिसमें दो फ्रिक्वेंसियाँ या तो जुड़ जाएंगी या घट जाएंगी। जुड़ जाएंगी तो हमें जो नया बैंड प्राप्त होगा वो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पे होगा, और घट जाएंगी तो जो हमें नया बैंड प्राप्त होगा वो कम फ्रिक्वेंसी पे होगा। तीसरा हमने पढ़ा है फर्मी अनुनाद या फर्मी रिजोनेंस। फर्मी रिजोनेंस में एक तो हमें लेना है कंपलसरी फंडामेंटल बैंड। अभी फंडामेंटल बैंड या तो ओवरटोन के साथ में जुड़ता है या संयुक्त स्वर के साथ में जुड़ता है और एक नया अनुनादी बैंड बनाता है जिसे फर्मी अनुनाद बैंड कहते हैं, और इसकी खोज की थी एनरिको फर्मी ने। तो ये तो हमारे पास कारण हुए बेटा अणुओं में अवशोषण बैंड की संख्या बढ़ने के। अब हमारे पास देखते हैं कि अवशोषण बैंड की संख्या घटने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिए घटने के प्रमुख कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो इसमें मेनली
पांच कारण अभी हमने लिखे हैं। देखिए क्या हो सकता है, पहली चीज़ कि जो अवशोषण बैंड प्राप्त हो रहा है वो हमें अवरक्त स्पेक्ट्रम में वो बैंड आता ही नहीं हो, ठीक है। तो जो बैंड अवशोषण बैंड हमें प्राप्त हो रहा है या पदार्थ ने जिस फ्रिक्वेंसी का अब्जॉर्प्शन किया है वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर आती ही नहीं है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्षेत्र के अगर बाहर आती है तो वो हमें ग्राफ में मिलेगी ही नहीं। तो जब वो हमें ग्राफ में मिलेगी ही नहीं तो हम उसे देख भी नहीं पाएंगे। हम यह किसका अध्ययन कर रहे हैं, अवरक्त स्पेक्ट्रम का। तो अवरक्त स्पेक्ट्रम हमने कोई प्रकाश में से अवरक्त वाला क्षेत्र उस पदार्थ को अवशोषित करना, लेकिन पदार्थ ने अवरक्त वाले क्षेत्र से अवशोषण करने के साथ साथ किसी और क्षेत्र से भी अवशोषण किया, तो लेकिन हमारे पास ग्राफ आ रहा है अवरक्त क्षेत्र का, तो किसी और क्षेत्र से जो उसने अवशोषण किया है वो अवरक्त क्षेत्र में हमें दिखाई ही नहीं देगा, ठीक है। दूसरा, कुछ ऐसे बैंड प्राप्त होते हैं जिनकी तीव्रता इतनी कम होती है कि वो कम तीव्रता के कारण अवरक्त स्पेक्ट्रम में हमें दिखाई नहीं देते। तीसरा, कभी कभी दो बैंड इतने पास पास आ जाते हैं कि एक दूसरे में ही सम्मिलित हो जाते हैं, तो हमें वो एक बैंड दिखाई देता है। दो बैंड है बिल्कुल पास पास आ गए लेकिन उन्होंने कोई कॉम्बिनेशन वगैरह नहीं किया, बस पास पास आ गए हैं, अवरक्त स्पेक्ट्रम के का जो स्पेक्ट्राग्राफ उसमें एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं तो वो सम्मिलित हो जाते हैं तो हमें दिखाई नहीं देते हैं, है ना। अब हम जो नेक्स्ट बात है करते कि और क्या हो सकता है, और इसमें हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे रीजन्स भी होते हैं, कुछ ऐसे रीजन्स भी होते हैं जिसमें कि एक ही आवृत्ति के विभिन्न बैंड में से कुछ बैंड डीजेनरेटेड हो जाते हैं। डीजेनरेटेड यानी अपहरित हो जाते हैं, अपहरित होने के कारण वो बैंड की संख्या में कम दिखाई देते। पांच बैंड थे, पांच बैंड में से दो बैंड आपस में अपहरित यानी डीजेनरेटेड हो गए, तो पांच की जगह हम तीन बैंड ही दिखाई देंगे, है ना। इसमें एक और रीजन है वो यहाँ मेंशन नहीं हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनमें द्विध्रुव आघूर्ण कम होता है, उस द्विध्रुव आघूर्ण की कमी के कारण वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में मौलिक अवशोषण बैंड प्रदर्शित नहीं करते हैं। देखिए मैंने पहले आपको बताया कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में वही अणु अवशोषण बैंड प्रदर्शित करेगा जिसके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण हो या वाइब्रेशन के कारण द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन होता हो। तो द्विध्रुव आघूर्ण में जो परिवर्तन हो रहा है वो मान लो इतना कम हो रहा है कि वो द्विध्रुव आघूर्ण के कारण द्विध्रुव आघूर्ण इतना कम आ रहा है कि उस द्विध्रुव आघूर्ण से जो मौलिक यानी कि फंडामेंटल बैंड बन रहा है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा स्पष्ट रूप से आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के ग्राफ में, है ना। तो किसी अणु के अंदर अगर द्विध्रुव आघूर्ण बहुत ही कम है तो उससे जो अवशोषण बैंड प्राप्त होगा वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो ये पांचवा कारण हुआ कि अवशोषण बैंड कम क्यों रहते हैं। दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अवशोषण बैंडों की संख्या कम क्यों होती है। पहला, तो अवरक्त क्षेत्र में वो बैंड आए नहीं और अवरक्त क्षेत्र के बाहर वाले क्षेत्र में आए तो हमें वो दिखाई नहीं देगा। दूसरी चीज़, जो अवशोषण बैंड की तीव्रता है वो कम हो तो भी हमें अवशोषण बैंड दिखाई नहीं देगा। तीसरी चीज़ कि अवशोषण बैंड इतने नज़दीक आ जाते हैं कि एक दूसरे में सम्मिलित हो जाते हैं तो भी दिखाई नहीं देगा। चौथी, कुछ बैंड ऐसे होते हैं जो कि आपस में अपहरित यानी डीजेनरेटेड हो जाते हैं जिससे भी हमें बैंडों की संख्या कम मिलती है। और पांचवा, कि कुछ अणुओं में द्विध्रुव आघूर्ण इतना कम होता है कि कम द्विध्रुव आघूर्ण के कारण जो मौलिक अवशोषण बैंड होते हैं फंडामेंटल वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। तो ये कुछ रीजन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेनली तो ये पूछा जाता है कि अवशोषण बैंडों की संख्या अधिक क्यों होती है, तो अधिक होने के मैंने तीन कारण आपको बताए हैं, अधिस्वरक या ओवरटोन या हार्मोनिक, ये तो पहला कारण है। दूसरा है संयुक्त स्वर या कॉम्बिनेशन बैंड। तीसरा कारण है फर्मी अनुनाद या फर्मी रिजोनेंस जिसे एनरिको फर्मी ने दिया था। ये तीन कारण तो हैं हमारे पास अवशोषण बैंड की संख्या बढ़ने के, और पांच कारण मैंने आपको बताए हैं अवशोषण बैंड की संख्या कम होने के, जैसे कि अवरक्त क्षेत्र में नहीं होना बैंड का, बैंड की तीव्रता का कम होना, बैंड का एक दूसरे के पास पास होना, बैंड का आपस में डीजेनरेटेड या अपहरित हो जाना, और अणु में द्विध्रुव आघूर्ण का कम होना। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा, इसको आप अच्छे से स्टडी कीजिए। मैंने इसके जो नोट्स हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए, वहाँ से आप ले सकते हैं। आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर
पर्सनल क्यूरीज भेज सकते हैं। और इस चैप्टर में इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे क्वेश्चन भेज दीजिए, मेरे पास नोट्स हैं तो हैं, तो मैं वो आपको व्हाट्सअप के द्वारा अवेलेबल करवा दूंगा। आप उनका प्रिंटआउट ले सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं या नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।